नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी ने इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाल रहे हैं और 30 जनवरी का कश्मीर में उनकी यात्रा का समापन है। दूसरी तरफ आज और कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और उस बैठक में चुनाव के लिए रणनीति बनेगी। उस बैठक के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 किलोमीटर तक का रोड शो किया। उनका रोड शो पटेल चौक से शुरू होकर के NDMC कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचा। अब सबसे पहले ये रोड शो देखिए। प्रधानमंत्री कर्नाटक के हुबली में भी गए थे तो ऐसा ही रोड शो किया था, जहां पर कि एक बच्चा दौड़ते हुए आ गया था उनको गुलदस्ता और माला देने के लिए, उस सुरक्षा में चूक माना गया था। और आज दिल्ली में उन्होंने रोड शो किए हैं। इसके बाद पूछे जा रहे हैं, मंथन हो रहा, बहस हो रही है कि आखिरकार दिल्ली में इस रोड शो का मकसद क्या है। तो अभी जो लग रहा है उसके मुताबिक कि जो भी 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और ये ऐसे महत्वपूर्ण समय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो बैठक में चुनावी रणनीति तो बनेगी ही बनेगी। उसके पहले माहौल बनाने की तैयारी हुई है और उसी हिसाब से प्रधानमंत्री के रोड शो को कनेक्ट करके देखा जा रहा है। रहिए ना बे खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।